तो आज हम स्टार्ट कराएंगे एनसीईआरटी का अध्याय चार, अध्याय चार लोकतांत्रिक का, लोकतांत्रिक सरकार के, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। ठीक, आज हम ये वाला चैप्टर कराएंगे, अध्याय चौथा लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो देखो बिल्कुल बेसिक से, लिखना बहुत कम, समझना बहुत ज्यादा। एक देश है कौन सा, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका एक देश है, वहां पे क्या है, विभिन्न प्रजातियों के लोग रहते थे। कैसे, विभिन्न प्रजातियों के लोग रहते थे, कहां पे, दक्षिण अफ्रीका। ठीक, तो बिल्कुल बेसिक से समझो, वहां पे विभिन्न प्रकार, विभिन्न प्रजातियों के लोग रहते थे। तो वहां पे एक तो रहते थे श्वेत, जिन्हें हम बोलते हैं गोरे, और एक रहते थे अश्वेत, अश्वेत जिन्हें हम बोलते हैं काले या सांवले, सांवले। ठीक, तो वहां पे कानून था, क्या, रंग भेद कानून। कौन सा कानून था, रंग भेद कानून, कानून कह सकते हो, रंग भेद शासन कह सकते हो, ये वाला रंग भेद, रंग भेद कानून। समझते हो आप कि जो गोरे श्वेत लोग होते थे, सबसे ज्यादा भेदभाव होता था यहाँ पे गोरे और काले के नाम पे, सिर्फ कलर के उस पे, रंग भेद कानून इसका नाम पड़ा। देखो कैसे, कि जो गोरे लोग होते थे उनके लिए गाड़ियों की सुविधा अलग होती थी, क्या, गाड़ियों की सुविधा अलग होती थी, सुविधा, अच्छी अच्छी गाड़ियां थी इनके लिए, श्वेत लोगों के लिए। और जो काले लोग थे और सांवले लोग थे, इनके लिए अच्छी गाड़ियां नहीं थी। कैसी थी, अच्छी नहीं थी, खराब सी गाड़ियां थी, ज्यादा फैसिलिटी नहीं थी उन गाड़ियों में। ठीक, अश्वेत लोगों के लिए, किनके लिए, काले और सांवले लोग थे उनके लिए गाड़ियों। इनके लिए अस्पताल अलग थे गोरे लोगों के लिए, काले लोगों के लिए अस्पताल अलग थे, मतलब अच्छे नहीं थे। देख रहे हो ये दक्षिण अफ्रीका में ये हो क्या रहा है, रंग भेद कानून। जब हमने इसे पढ़ा तो हमें समझ में आया, चलो भारत, भारत मतलब बहुत देर बाद मतलब भेदभाव खत्म कर पाया, लेकिन इतना ज्यादा भेदभाव, देख रहे हो, कलर के नाम पे भेदभाव, जाति पाति के नाम पे भेदभाव सुना था, धर्म के नाम पे भेदभाव सुना था, पर कलर के नाम पे भेदभाव, समझ रहे हो, कलर के नाम पे भेदभाव। यहाँ पे अस्पताल इनके लिए अलग थी, गाड़ियां अलग थी, अस्पताल अलग थे इनके, बताओ ये कितना खतरनाक देश है। गोरे काले के नाम पे भेदभाव कर रहे हैं ये लोग। अब इसमें क्या है, देखो यहां पे क्या था, श्वेत लोगों को वोट डालने का अधिकार था, वोट डालने का, मतलब गोरे लोगों को वोट डालने का अधिकार था, काले या सांवले लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, वोट डालने का अधिकार नहीं था। कितना खतरनाक कानून बनाया इन लोगों ने। ये क्या था, गोरे लोग जो थे वो एक दूसरे से संबंध बना सकते थे, एक दूसरे से संबंध बना सकते थे, पर काले लोग जो थे, सांवले लोग थे, वो इन लोगों से संबंध नहीं बना सकते थे। संबंध नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, ये जहां पे गोरे लोगों की सोसाइटी रहती थी वहां पे काले और सांवले लोग रह नहीं सकते थे। इतना खतरनाक कानून था ये, बताओ, वहां पे ये लोग नहीं रह सकते ये वाले, इतना ज्यादा भेदभाव। पर जब जब इतना हमेशा याद रखना कि जब जब कोई पाप हद से ज्यादा बढ़े, जब जब कोई पाप या भेदभाव या कुछ हद से ज्यादा जब बढ़ेगा, तब कोई ना कोई ऐसा जरूर आएगा जो इस चीज को मिटा के रख देगा। जैसे भारत में सबसे ज्यादा भेदभाव होता था तो भीमराव अंबेडकर ने खत्म किया,
यहाँ पे जब भेदभाव इतना हुआ तो एक इंसान था कौन, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जी और लगाओ क्या, नेल्सन मंडेला जी, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना सफलता वाले, जो जिन इंसान को कामयाबी मिल जाती है उन इंसान को हम गलत नाम से नहीं पुकार सकते। इन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया, क्या बहुत ज्यादा लड़ाइयां लड़ी इन्होंने, किनसे, ये इस रंग भेद कानून को खत्म करना चाहते थे नेल्सन मंडेला। और एक लंबे समय तक संघर्ष करके 1994 में इन्होंने ये रंग भेद कानून खत्म कर दिया, रंग भेद कानून खत्म कर दिया। जो सुविधाएं गोरे लोगों को मिलेंगी भाई काले लोगों को मिलेंगी, वोट डालने का अधिकार गोरे लोगों को है तो काले लोगों को भी वोट डालने का अधिकार है, एक दूसरे के साथ बनाने का अधिकार है, इन्हें है तो इन्हें भी है। ये वाला कानून, रंग भेद कानून किसने समाप्त कर दिया, नेल्सन मंडेला ने 1994 में। बहुत लंबा संघर्ष करने के बाद इन्होंने ये कानून समाप्त कर दिया, रंग भेद कानून। बताओ ऐसे ऐसे देश हैं यहां पे ऐसे ऐसे कानून बनाए गए, ऐसी ऐसी नीतियां, बताओ लोकतांत्रिक देश के मुख्य तत्व बताए जा रहे हैं। क्या देश था इनका, कलर के नाम पे भेदभाव। देखो इसके आगे